दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रखी है HPCL की तरफ से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम की तरफ से। यहाँ पे जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए जो है वैकेंसी आ रखी है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी है 44,000 पर मंथ जो है सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जो हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ। आप लोगों के लिए सबसे पहले जो न्यूज़ है, सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट है, आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता है। तो मेरे ख्याल से एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है पूरा देखें, ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है यहीं पे सॉल्व हो सके। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है आपका विशाखा रिफाइनरी में जो है क्रिएट हुई है, तो इसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये जो पोस्ट का नाम है आपका टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। यहाँ पे देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं। डेट जो है आपको हमारे चैनल में सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है, इसलिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, जिसकी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर रखा गया है। देन यहाँ पर अगर हम बात किया जाए कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो है हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेंटेनेंस टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांग रखा है, जिसकी 8 पोस्ट है टोटल। देन बात किया जाए डिप्लोमा टेक्नीशियन यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन कैंडिडेट के लिए, तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। और टेलीकम्युनिकेशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसकी जो वैकेंसी है 5 है। देन यहाँ पे मैकेनिकल की बात किया जाए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पे 7 रखी गई है। देन यहाँ पे लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए BSc इन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के कैंडिडेट 60% होना जरूरी है, विद द केमिस्ट्री में 60% मार्क्स होना जरूरी है। तो केमिस्ट्री में BSc और MSc के कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, इनकी जो टोटल पोस्ट है 4 है। देन यहाँ पे जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए साइंस के कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है विद वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के साथ 12 पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल है। तो ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको जो है सैलरी 44,000 पर मंथ जो है दिया जा रहा है। देन यहाँ पे अगर बात किया जाए हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट, जैसे BTech वाले कैंडिडेट, जिनके लिए साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट पॉजिंग हायर क्वालिफिकेशन सच एस डिग्री इन इंजीनियरिंग AMI आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, और BSc के कैंडिडेट जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे एज लिमिट जो है 18 से लेके 25 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन है, जैसे OBC को 3 साल, ST को 5 साल जो है यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, जिसे रिटन टेस्ट कहते हैं, और एक स्किल टेस्ट होगा जो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो अभी हम यहाँ पे जनरल टेस्ट यानी कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है रिटन टेस्ट, उसके बारे में बात किया जाए। तो यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, और टेक्निकल जिस फील्ड से आप हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। पेपर का जो ड्यूरेशन है और कितने क्वेश्चन जो है टेक्निकल से होंगे, कितने क्वेश्चन जो है नॉन टेक से होंगे, ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए इसके रिगार्डिंग रिसर्च करके मैं बताऊँगा डिटेल में। अभी जो है आप ये जान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसीजर में जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, देन यहां पे जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके रिटन टेस्ट का सेंटर कहाँ पे होगा। तो इसका जो रिटन टेस्ट का सेंटर है वो 5 सेंटर दिया गया है, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में जो है इसका एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। तो इसका जो रिटन टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो है 5 सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी सैलरी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखिए, सैलरी प्रोवाइड कितना किया जा रहा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मिनिमम जो है 40,000 यहाँ पे पर मंथ आपको दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको मैं बात करूँ एक मोटा मोटी, तो यहाँ पे 44,000 जैसे आपका जो DA सब है, बाकी चीज़ जो है उनको मिला के 44,000 जो आप हाथ में मिलेगा सैलरी, बेसिक जो है आपका 40,000 है। बाकी जो अलग से फैसिलिटी है वो आपको अलग दी जाएगी। देन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी इनिशियली जो है आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, मतलब इस जो ट्रेनिंग पीरियड है इनिशियली आपको 9 महीने के लिए जो है इसका ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपका जो सैलरी बढ़ा के आपका सैलरी जो है लगभग 50,000 के करीबन यहाँ पे कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे लिया जा रहा है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 590 रुपये। बाकी जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। जो SC ST के कैंडिडेट हैं और PWD के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं रखी गई है।
अब हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए आप हमारे लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक दिया गया है, या फिर आप जो है यहाँ पे लॉगिन कीजिए। फिर यहाँ पे आपको जो क्लिक करना है कैरियर ऑप्शन में, तो कैरियर ऑप्शन में आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा एप्लीकेशन वगैरह मिल जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर रखा गया है। तो दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो आने वाले दिनों में हम इसके एग्ज़ाम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस के पेपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ, आप लोग जो है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने लाइक ज़्यादा रहेंगे, जितने शेयर ज़्यादा रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है हम वर्क करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके रिगार्डिंग, इसके प्रीवियस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आया है। साथ ही साथ चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, जहाँ पे फ्रेशर्स के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें और फॉर्म को फिलअप करें। हर एक फॉर्म के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, जहाँ से आप फॉर्म को ईजिली फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों का सहयोग और प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है, तो ज़रूर आप जो है दीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।